हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बताएंगे कि आपको आलेखन बनाने में कितने ब्रश आपको लेना है, कितने ब्रश का आप यूज करना है आपको। हम आप उसके बारे में आप बताएंगे कि आपको आलेखन में कितने ब्रश यूज करना है, आपको कितने ब्रश लेना चाहिए। तो चलिए पूरे वीडियो साथ बने रहिए। तो वीडियो शुरू कर पड़े, हम आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी को ऑल प्रेस कर लिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमने कि आलेखन बनाया हुआ है, तो आपको ऐसे बनाने में कितनी ब्रश जरूरत पड़ेगी। चलिए, हमारे पास इतने सारे ब्रश हैं लेकिन आपको इतनी ब्रश लेने की जरूरत नहीं है। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले आपको जो जैसे ये आलेखन हुआ है, ठीक है, ये आलेखन है, इसमें देखिए ये सब आलेखन है। तो क्या करना है आपको, इसमें देखिए ये जो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि जो होती है, जो कलर किया गया है, इसमें आपको इसके लिए आपको मोटे ब्रश जरूरत पड़ेगी। कम से कम आपके पास 8 नंबर ब्रश होना चाहिए। ये देखिए हमारे पास ये जो है ब्रश जो है 5 नंबर का है, ये है 8 नंबर का, और हमारे पास फ्लैट ब्रश भी है। ये देखिए फ्लैट ब्रश भी यूज कर सकते हैं। तो ये पृष्ठभूमि कलर करनी है, आपके पास मोटा ब्रश यानी कि कम से कम आपके पास 8 नंबर ब्रश होना चाहिए, ठीक, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि कलर करने के लिए। चलिए उसके बाद आपके पास कौन ब्रश होना चाहिए, आपके पास 3-4 नंबर ब्रश होना चाहिए, ये 3 नंबर का है। तो आपके पास एक उससे पतला होना चाहिए, आपको इस डिजाइन को फूल पत्ती कली को आपको कलर करने के लिए आपके पास एक पतला ब्रश होना चाहिए। तो एक 8 नंबर हो गया, और उसके बाद आपको 3-4 नंबर के ब्रश यूज करना चाहिए आपको इसको फिलअप करने के लिए। 2 ब्रश हो गया, उसके बाद आपको तीसरा ब्रश क्या लेना है, आपके पास पतला ब्रश होना चाहिए, आपके पास या तो 0 नंबर का हो या 1 नंबर का हो, आप उसकी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास कम से कम 3 ब्रश होना ज़रूरी है, आपके पास 3 ब्रश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैकग्राउंड करने के लिए मोटा ब्रश, फिर फूल पत्ती कलर करने के लिए पतला ब्रश, और इसको जो शेडिंग करने के लिए आपको 0 नंबर का या 000 का 1 नंबर का ब्रश यूज कर सकते हैं। तो आपके पास 3 ब्रश होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर आपके पास मेरे जैसा ब्रश हो, जैसे ये मेरे पास ब्रश है, ये है 5 नंबर का, लेकिन ये 5 नंबर का ब्रश है, इससे हम पूरा काम कर लेते हैं, इसका पृष्ठभूमि भी कलर कर लेते हैं और इससे फूल पत्ती को कलर कर देते हैं, और ये जो शेडिंग देख रहे हैं, जो शेडिंग किया गया है एकदम पतला आउटलाइन हम इसी से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है पानी लगाने से, इसको कलर लगाने से इसका पॉइंट बहुत पतला हो जाता है और एकदम परफेक्ट बनता है। तो ये सब जो देख रहे हैं, जो शेडिंग किए गए, इसे किए गए, हम एक ही ब्रश से पूरा काम कर लेते हैं, क्योंकि ये ब्रश अच्छा होना, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ब्रश बहुत अच्छा होना चाहिए, ब्रश का जो पॉइंट, जो बाल होना चाहिए वो अच्छे बाल होना चाहिए। तो हम बता दें कि ये जो बाल ब्रश हैं ये सिंथेटिक बाल के हैं, तो ये इसका क्वालिटी अच्छा होता है, आप भी अगर इसी की यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा है। और एक कोई कोई ब्रश होते हैं जिसका बाल बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, उससे फिलअप करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है और लाइन बनाने में थोड़ा समस्या होती है, तो इसलिए आपको इस बाल का ब्रश यूज करिए, आपका कलर बहुत अच्छा बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके पास कम से कम 3 ब्रश होना चाहिए, नहीं तो अगर आपको ऐसा मिल जाता है सिंथेटिक बाल का 5 नंबर का, और जिसका बाल पॉइंट जो है अच्छा होना चाहिए, अगर आपके पास ये पॉइंट अच्छा है तो आपको आप एक ही ब्रश से कर सकते हैं, लेकिन आपका ब्रश का पॉइंट अच्छा होना चाहिए, इसको ध्यान रखिए, नहीं तो कम से कम आपके पास 3 ब्रश होना ज़रूरी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये देखिए मैंने आलेखन जो बनाया है, ये सब एक ही ब्रश से बना दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको कम से कम 3 ब्रश यूज करना है, ठीक। चलिए हम आपके एक बात आपको और बताते हैं जो शायद आपको नहीं मालूम होगा। जैसे ये देखिए ये आलेखन है, और इसमें ये जो पृष्ठभूमि जो है, बैकग्राउंड जो इसमें कलर किया गया है, ये बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, तो इसको फिलअप करने के लिए 2 तरह होता है। जैसे ये देखिए, जब इसको फिलअप करते हैं तो इसमें फूल पत्ती को कली को क्या करते हैं, इसको छोड़ के इसको कलर करते हैं, और फूल पत्ती कली को छोड़ के तब इसको बैकग्राउंड को हम फिलअप करते हैं। एक तो इस तरह सा होता है, ठीक, आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर इस तरह से कलर करेंगे पृष्ठभूमि को, तो फूल पत्ती कली को छोड़ के कलर किया जाता है, एक ये ट्रिक हो गया। और जिसे इसमें देखिए, ये भी उसे किया गया है, जब इस तरह से हम बैकग्राउंड कलर करते हैं तो फूल डिजाइन पत्ती सभी को छोड़ के उसके बाद इसको फिलअप करते हैं, यानी कि हमको इसको छोड़ देना होता है।
और एक तरीका होता है पृष्ठभूमि कलर करने का, ये देखिए ये वाष्प किया गया है, यानी जब इस तरह का आलेखन जो पृष्ठभूमि कलर करते हैं तो इसको पूरा फिलअप करते हैं, कहीं छोड़ते नहीं है, पूरे डिजाइन के ऊपर भी यानी फूल प्रतिकल के ऊपर भी हम इस तरह से इस कलर को पूरा फिलअप करते हैं, कहीं छोड़ते नहीं है। तो इस तरह से आपको दो तरह के ये जो बैकग्राउंड फिलअप किया जाता है, कलर किया करते हैं। तो अगर आपको ये तो मालूम होगा कैसे करते हैं, लेकिन इस तरह का आपको मालूम नहीं होगा कि आप इतनी सफाई से इतना कलर जो फ्लैट लगा हुआ है इतनी फिनिशिंग कैसे करेंगे, आपको शायद नहीं मालूम होगा। तो ये भी जो करने का एक ट्रिक होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो कमेंट करिएगा, हम वीडियो बस बना देंगे तो कलर कैसे करते हैं। आई होप आपको पता नहीं होगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम आपको बताएंगे कि इस पृष्ठभूमि को कैसे कलर करते हैं। और दोनों का ट्रिक अलग है, यानी कि ये तो मालूम होगा कि इसमें समय लगता है, इसको कलर करने पृष्ठभूमि को का बहुत समय लगता है, लेकिन ये जो पृष्ठभूमि कलर किया गया है ये बैकग्राउंड, इसको कलर करने में समय नहीं लगता है और कलर बहुत कम लगता है और बहुत जल्दी होता है और काफ़ी अच्छा लगता भी है। तो ये जो है ट्रिक बहुत आसान है, क्योंकि परिश्रम समय कम रहता है, तो अगर परिश्रम ऐसे करते हैं तो समय की बहुत बचत होती है और कलर की बचत होती है, समय की बचत होती है और काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि समय बचत होती है, इससे कलर करने में बहुत समय बचता है, बहुत जल्दी होता है, और ऐसे कलर करने में पृष्ठभूमि बहुत समय लगता है। तो आपको ये वाला ट्रिक जो है हम आपको अगले वीडियो में, आप कमेंट करिए, हम जरूर बता देंगे, नहीं मालूम है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप समझ में आ गया होगा आपको कितना ब्रश यूज करना है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रश जो है आपको कम से कम तीन, पतला मोटा और मोटा, यानी कि एक नंबर दो नंबर, उसके बाद तीन चार नंबर और एक आठ नंबर, यानी कि आपको तीन ब्रश यूज करना है। अगर अच्छी क्वालिटी मिलता है तो आपको एक ही ब्रश हो जाएगा, तो ब्रश के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आज वीडियो इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम, ओके बाय।